गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 16 है, द इंटरनेट एज अ पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट पोस्ट ऑफिस के रूप में। लास्ट वाली क्लास में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था कि इंटरनेट जो होता है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि न्यूज़ अपडेट देता है, रेल रिजर्वेशन करवाता है, ईमेल हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, चैटिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने ISP के बारे में पढ़ा था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पढ़ा था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो इंटरनेट को प्रोवाइड करता है और उसके बदले में हमसे फ़ीस पे करवाता है। उसके बाद हमने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे URL के बारे में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में। इज़ द एड्रेस फॉर वेयर वी कैन एंटर योर वेबसाइट, यानी कि URL जो होता है वो एक ऐसा एड्रेस बार होता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को एंटर करते हैं, यानी कि उसमें हम लिखते हैं, जैसे कि लाइक www.hotmail.com या फिर www.yahoo.com। ठीक है, www ये चीज़ जो होती है उतना हम ज़रूर लिखते हैं, यही होता है हमारा URL। ठीक है, उसके बाद हमें जो सर्च करना हो, जैसे कि हॉटमेल करना है, याहू करना है, ट्विटर करना है, फेसबुक करना है, व्हाट्सअप करना है, कुछ भी हमें सर्च करना होता है उसमें हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो www होता है और जो लास्ट में हम .com लगाते हैं, ये सब होता है हमारा URL। ऑल कंप्यूटर्स विद इन एनी नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क केबल्स, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो नेटवर्क केबल के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट किए गए होते हैं, यानी कि नेटवर्क केबल जो होती है उसके द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट जुड़े हुए होते हैं। द मैसेज ट्रेवल्स अक्रॉस द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस अ नेटवर्क। जो मैसेज ट्रेवल्स होते हैं, यानी कि जब हम यहाँ से बैठ के किसी व्यक्ति को मैसेज कर रहे हैं, तो मैसेज जो होते हैं वो नेटवर्क की हेल्प से या नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की हेल्प से एक दूसरे के पास कर सकते हैं, एक दूसरे से हम बातचीत कर सकते हैं। अगर नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं होगा या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा, तो हम यहाँ बैठे बैठे किसी से भी बातचीत नहीं कर पाएंगे। इन दिस वे डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेट विद अदर यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल, इसी तरीके से हम एक प्रोटोकॉल के द्वारा बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। इट इज़ essential that the right software and hardware must be used. लेकिन अगर हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगा कि हमारे पास सही से सॉफ्टवेयर हो, जो भी हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर है या फिर हमारे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है या फिर जो हमारे हम PC यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो राइट होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें वायरस हो रहा हो तो हम जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर उसमें सही होना चाहिए और हार्डवेयर भी सही से यूज़ होना चाहिए, यानी कि जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो भी सही से यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद तो कॉमनली यूज प्रोटोकॉल आर, जो प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो कौन कौन से होते हैं। TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP की फुल फॉर्म है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की है इंटरनेट प्रोटोकॉल। When information is passed from one computer system to another, जब जो information होती है वो एक computer से दूसरे computer में जाती है, तो it is ब्रोकन अप इंटू पीसेस, तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है, जिसे हम पैकेट कहते हैं, यूजिंग द TCP प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल्स के द्वारा। ठीक है, ईच पैकेट हैज़ अ एड्रेस कॉल्ड IP एड्रेस, और जो प्रत्येक पैकेट होता है, जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाती है, तो जो पैकेट होता है उसमें एक एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पैकेट का अपना अपना एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। डेट रेफर्स टू द सेंडर एंड द डेस्टिनेशन, जो सेंडर्स को भेजा जाता है और जो जिसे हमें भेजना होता है उसे भेजा जाता है, यानी कि भेजने वाले के पास भेजा जाता है। जैसे कि मैं भेज रही हूँ अपनी फ्रेंड के पास, तो मेरे पास होना चाहिए, और जो मैं अपनी फ्रेंड के पास भेज रही हूँ तो वो उसके पास होना चाहिए, बस।
उसके बाद है द पैकेट हैज़ पास्ड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर यूटिलिटी बिफोर दे रीच देयर डेस्टिनेशन, यानी कि पैकेट जो होता है वो एक नेटवर्क के द्वारा दूसरे नेटवर्क में भेज दिया जाता है, यानी कि जो भी डेस्टिनेशन होगा जहाँ पर भी हमें भेजना होगा वहाँ पर भेज दिया जाता है। एट द डेस्टिनेशन द TCP सॉफ्टवेयर रिसेंबल द पैकेट इनटू अ कंप्लीट मैसेज। डेस्टिनेशन पे जो TCP सॉफ्टवेयर होता है वो देखता है कि पैकेट जो है पैकेट में वो अगर अलग अलग पैकेट बन गए हैं, जो हमने इन्फॉर्मेशन भेजी थी इन्फॉर्मेशन भेजते भेजते वो अलग अलग पैकेट में बन गए हैं, तो पैकेट में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। इफ़ पैकेट आर लॉस्ट अ रिक्वेस्ट इज सेंड टू सेंडर टू रिसेंड देन अगेन। अगर पैकेट में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो जो भेजने वाला होता है, यानी कि जैसे कि मैं भेज रही हूँ तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि आप इसे दोबारा से रिसेंड करें, ठीक है। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो सेंड हो जाएगा, और अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि आप इसे दोबारा से रिसेंड करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पैकेट इज अ सिंगल मैसेज टू टेक द सेम रूट ईच टाइम इज सेंड, यानी कि ये ज़रूरत नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि जो पैकेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही मैसेज हो, ठीक है। अगर हमने बहुत बड़ा सा एक मेल बनाया है फिर वो हम उसे भेज रहे हैं, जैसे कि 8-10 पेज का या फिर ज़्यादा ही पेज का हमने 200-300 पेज का हमने मेल बनाया है उसे हम भेज रहे हैं, तो वो अलग अलग पैकेट्स में पहले डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद पैकेट्स को देखा जाएगा कि पैकेट में पूरी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि आप इसे रिसाइन करें, और ये ज़रूरत नहीं होते हैं, यानी कि आवश्यक नहीं होते हैं कि पैकेट में सिर्फ एक सिंगल ही मैसेज हो और उसका जो रूट हो वो सेम ही हो, प्रत्येक टाइम में वो सेंड हो जाता है। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हमेशा सेंड होगा, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि आप इसे दोबारा से रिसेंड करें। तो ये वाला पैराग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।